कंपनियां जयकारिया नु बोलन दा हुक्म देता, प्रभु ने फरमान दे दिता के तुसी सिर्फ ते सिर्फ पांच जयकारे ही लगाने, क्योंकि हर संगी जदो सतगुर अपनी आमद मात लोक विच आप कर देने, फिर वो अपने भगता नो कोई ना सिमरन योग अभ्यास पूजा पाठ दे विच नहीं आन देंदे, क्योंकि सम्राट पुरख आप अपनी करनी दा करता आप मालिक बनता है, ते भगता दा रक्षक आप बन के भगता दा वारस हुंदा है प्रभु। हर संगत जी इसे करके ही प्रभु ने फरमान दे दिता के मेरे गुरसिखो तुसी सिर्फ ते सिर्फ पांच वार जयकारा सवेरे ते पांच वार रात नु जयकारा बोलना, एदे विच ही तुहाडी सारा पूजा पाठ सिमरन योग अभ्यास सब कुछ तुहाडा पंजां जयकारियां दे विच आ जांदा है, ते पांच जयकारे लगाउण दे नाल तुहानू दोबारा मात लोक दे विच जन्म नहीं लेना पवेगा, तुहानू लख 84 युनि दे विच दोबारा नहीं आउणा पवेगा, क्योंकि सर्व हर संगत जी एक मानस जन्म ही अजिहा है जदो प्रभु रहमत कर देने ता जीव जा भगत आत्मा नू अपनी पहचान दे देंदे ने, ते जदो जीव नू अपने प्रभु दी पहचान आ जांदी है प्रभु दी कृपा दे नाल, क्योंकि हर संगत जी कृपा तो बगैर कुछ नहीं हुंदा, बख्शिश तो बगैर कुछ नहीं हुंदा, रहमत तो बगैर कोई गल नहीं हुंदी, जिन्ना चेर प्रभु कृपा नहीं करदा प्रभु अपने भगतां नू अपने चरणा दे विच नवाजदा नहीं, जिन्ना चिर अपनी आत्मा नू बाहों फड़ के पार नहीं करदा, जिन्ना चिर अपनी आत्मा नू सम्राट पुरख करतार होके अपना दर्श दीदार नहीं दिंदा, हर संगत जी उना चिर भगत आत्मा नू एक उड़ीक रहंदी है अपने प्रभु दी मिलनी दी। हजूर शहंशाह जी ने फरमान देता ऐसे करके कि सौंदिया जागदिया पांच वार बोलिया करो मेरा जयकार, सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय ते आईया। हर संगत जी यही सब तो वड्डी पूजा यही सब तो वड्डा पाठ है, क्योंकि सोहंग शब्द दी परिभाषा ही यही है कि हे सतगुर तू मेरा ते मैं तेरा, आत्मा कहती है कि परमात्मा तू ही मेरा हां, ते परमात्मा कहता कि हे आत्मा मैं तेनु अपने दाते वर लिया तू सिर्फ ते सिर्फ मेरी हां। हर संगत जी आत्मा की है जिसका कोई रूप रंग वेख नहीं हुंदा, जन्म लेन तो पहला असि आत्मा नु जान दे नहीं हुंदे, हर संगत जी इसे करके ही शहंशाह जी ने फरमान देता कि परमात्मा एक तुसी ओदिया आत्मा एक, तुसी किसे शरा जा बंधन विच नहीं, जो भगत हुंदा है ओ मात लोक दे विच कभी किसे शरा दे विच नहीं बचदा, जो भगत आत्मा हुंदी है उसकी कोई जात नहीं हुंदी, उसका कोई वर्ण नहीं हुंदा, कोई बरन नहीं हुंदा, कोई ऊंच नहीं हुंदी, कोई नीच नहीं, कोई जात नहीं, कोई बात नहीं, कोई अमीरी गरीबी दा वेरवा नहीं भगत विच रह जांदा। भगत की है, भगत बंदा किस तरह है मात लोक विच, भगत सिर्फ प्रभु दी कृपा दा पात्र है, जे भगत बनता है ते प्रभु दे रहम दे नाल बनता है, हर संगत जी अपनी करनी दे नाल अज तक कोई भगत बन सकया नहीं, भगत नु बनाउण वाला परमात्मा है, इसी करके परमात्मा ने सारी मनुख जाति नु एक संदेश दे दिता, एक फरमान दे दिता, एक हुक्म दे दिता कि ए सर्व मनुख जाति कभी किसे ना दीन मजहब दे आधार ते किरणा नहीं करनी, जात पात दे आधार ते नफरत नहीं करनी, सारे धर्मां नु बराबर दा सत्कार देना। हर संगत जी इसे करके ही शहंशाह जी ने कहा कि मेरे दाते कोई अमीर ते गरीब भी नहीं, मैं जात पात दे बंधन नु तोड़ता, मैं सारे वर्णा नु इक नाम दे दिता भगत दा, ते मैं इक जात बना दिती गुरमुख जाति, क्योंकि गुरमुख जाति ही उत्तम ते श्रेष्ठ है मात लोक दे विच। हर संगत जी ना साडी जन्म तो पहला कोई जात
पास हुंदी अमीरी गरीबी, ना साडा कोई पहला कर्म हुंदा, ना साडा संसार विच जान तो बाद कोई कर्म हुंदा। कर्म की है, कर्म इको ही है, परमात्मा से आत्मा दी मिलनी ही सच्चा कर्म हुंदा है। सर्व मनुख जाति दी सेवा ही सच्चा कर्म हुंदा है। सर्व पैर पाई दा सत्कार करना ही सच्चा कर्म हुंदा है। अपने मन नु निमाना करना, अपने अंदरों कूड़ वकार नु त्यागना, होमे दा त्याग करना, अपनी अंतर आत्मा दे विच निर्माणता रखनी, अपने आप नु इन्ना नीवा कर लेना कि मैं सब तो नीवा हां संसार दे विच। हर संग जी यही सच्चा धर्म है। क्यों जिन्ना चिर भगत या गुर सिख दी आत्मा अपने सतगुर दे द्वारे ते बल हार के नीवी नहीं हो जांदी, हर संग जी उन्ना चिर भगत दा दर्जा उस नु नहीं मिलदा। बेशक सतगुरा ने फरमान दे दिता के भगतो मैं तुहानू भगत बनाया अपनी कृपा दे नाल, पर शहंशाह जी ने कुछ फरमान नहीं देते भगतां लई कि ऐ मेरे भगतो तुसी कदी देखो लोक लाज लक्ष्मी आना, क्योंकि तुसी सतगुर पूरा पाया पार ब्रह्म करता, तुसी सतगुर पूरा पाया मात लोक दे विच, एस ते कोई शक नहीं। जदों भगत आत्मा सतगुर पूरा पा लैंदी है और सी अंतर आत्मा दे विच इक दृढ़ विश्वास आ जांदा कि हे प्रभु तू मेरा ते मैं तेरा, उसनु उस वक्त कोई लोक लाज नहीं रहंदी, ओ किसी शरा दे बंधन विच नहीं बजदी, और सी अंतर आत्मा दे दे ओस दे हिरदे दे दे सिर्फ ते सिर्फ प्रभु समाया हुंदा है। जदो हर संग जी आत्मा दे विच प्रभु समा जांदा है, तुहाडे पंज तत् शरीर दे विच प्रभु आसन ला लैंदा है अपना, उस वक्त जो जीव आत्मा जा भगत आत्मा हुंदी है उस दी अंतर आत्मा दे विचों इक आवाज आउंदी है, हे सतगुरु तू मेरा ते मैं तेरा। हर संग जी इसी वड्डी भक्ति है, क्योंकि शहंशाह जी ने फरमाया कि मैं तुहानू लख चराची दे विचों मानस जन्म दिता अपनी कृपा दे नाल। मानस जन्म दे विच रहां विच जदों जीव अपने प्रभु दे चरणा दे उपर इक वारी मत राके निमस्कार कर लैंदा है, वो अपना बल हार जांदा है। क्योंकि हर संग जी निव्या उदो जांदा जदो इंसान अपना बल हार जांदा, आत्मा सिर्फ ते सिर्फ अपना बल हार दी है अपने प्रभु दे अगे। प्रभु दे अगे जदो आत्मा बल हार जांदी है, जीव आत्मा बल हार जांदा है, ता प्रभु उस नु मान वड्याई दे दिंदे ने बलहारी होई आत्मा नु कि ऐ मेरी आत्मा मैं ही तेरा परमात्मा हाँ, तू ही मेरी जात है, तू ही मेरा सच्चा भगत रूप है। क्योंकि हर संग जी जेकर असीं इह देखिए कोई भी जीव है, कोई भी गुरसिख आत्मा है, कोई भी गुरमुख आत्मा है, उस दा जीवन संसार दे विच थोड़ चिरा हुंदा है। संसार नू असी कदों जीतदे हां जदो असी संसार दे विचों चले जांदे हां। जीने जीने अज तक कदी संसार नू कोई जीत नहीं सकिया। जे असी सारे संसार नू इक पासे कर दईए ते अपने प्रभु दे चरणा दे नाल सच्ची परीत रख लईए, हर संग जी पासा फिर प्रभु दा पारा हो जांदा है, ते प्रभु हर औकड़ वेले हर मुश्किल वेले अपने भगतां दा खास खास दर्श दीदार दे के साथ दिंदे ने। हजूर शहंशाह जी ने फरमाया कि जो मेरा भगत हुंदा, जो मेरा गुरु सिख हुंदा, उसके अंदर एक खास होनी चाहिदी, एक अमंग होनी चाहिदी, एक गर्ज होनी चाहिदी आ, इको तेरे मिलन दी गर्जे, दूजी आसना कोई रखाईया। भगत नु सिर्फ से सिर्फ अपने परमात्मा नु मिलन दी गर्ज हुंदी है। हर संग जी संसार अपने कारोबार कर दिया तुरिया जांदा,
समा लंघदा जांदा, समा बीतदा जांदा, क्योंकि समा कभी रुकिया नहीं। ते जो समा एक बार बीत जांदा ओ दोबारा भी आउंदा नहीं। पर जो सतगुरु ने सानू मानस जन्म दिता है, इस नू अपा प्रभु दी कृपा मंग के अजाई ना गवाईए। सतगुरु तो रह मंगिए के हे सतगुरु, जो साडा दिता होया जीवन है तुहाडा, ओ तुहाडा ही है। साडे ते इन्नी रहमत ते कृपा करनी कि असि तेरे हुक्म अनुसार चल सकिए। हर संगत जी, सतगुरु दे फरमान नू मनना, सतगुरु दे दिते होए हुक्म नू मनना ही गुरसिख दी सब तो वड़ी फकीरी हुंदी है। जो भगत आत्मा जा गुरसिख आत्मा प्रभु दा हुक्म मन लेंदी है, क्योंकि हर संगत जी हुक्म ही प्रभु दी रहमत दे नाल मन्या जांदा है। जदो हुक्म मन लेंदी है ता उसका प्रभु उससे ऊपर तुकदा है। इसी तरह ही शहंशाह जी ने फरमान कीता, अपने नवे जयकारे दे नाल ही अपना हर संगत जी नवा निशान नहीं दे सका। हजूर शहंशाह जी ने सत धर्म दी, सत मर्यादा दा, सत दी तार दा निशान साहब, सत युग दी, सत दी तार नु मखातब करदा है। हजूर शहंशाह जी ने फरमाया कि जिथे मेरा सत्संग होए उथे निशान साहब नु सजे पावे दे नाल सुलन दा मान दे दिता। इस करके के निशान साहब राखा बने भगता दी कुल दा तकी वाना लागे राईया। ये जो निशान साहब है ये सत दी तार दा प्रतीक है। बेशक सारा संसार सत्ता दीपां दे विच वंडिया होया है। लखन दीप, त्रौच दीप, पुष्कर दीप, जंबू दीप, सान दीप, सालमल दीप, कुशा दीप, संसारी वंड दे नाल नाल ही इस दी ओ अजही परमार्थ वंड है जिस नू जीव दी कोई बुद्ध मत समझ नहीं सकती। ओ प्रभु दी सत दी तार इसे विच समाई हुई है। सो पुरख निरंजन, हर पुरख निरंजन, एकमकार आदि निरंजन, अविनाशी करता श्री भगवान पर ब्रह्म, ये ओ सत दी तार है जिस तार नू प्रभु ने सत धर्म दी सत मर्यादा दा रूप देता। हर संगत जी, ए निशान साहब जिसके ऊपर सत रंग ने, सत रंग समय समय अनुसार मात लोक विच आउंदे रहे। श्री राम जी, कृष्ण जी, सहज दसवें पातशाह जी, सहज पहली पातशाह जी, सहज पंजवी पातशाह जी, सहज छेवीं पातशाह जी दे नाल नाल ए मखातब रहे के किस तरह जदों सहज दसवीं पातशाह ने पंजां प्यारियां नूं साजिया मात लोक विच, तां शहंशाह जी ने उस वक्त चिट्टी चादर पंजां प्यारियां दे नीचे विछा दिती। ओ चिट्टी तार सत धर्म दी सत मर्यादा। इसे तरह ही जदों सतवां नूं भोग लगाया गया तो वी सत्ता रंगां दी पोटली विच ही सी, सत्ता पोटियां दे नाल सी, उन्हां नूं मान मिल गया खोलण दा। जदों पहली पातशाही सतगुरां ने अपना मात लोक विच सरगुण स्वरूप दा ओला कीता, उस वक्त ही उन्हां चिट्टी चादर नूं मान वड्याई देती मात लोक दे विच। इस तरह इह सत रंग उस तार नूं संबंधित करदे ने कि जिस दिन मीरी पीरी दे मालक साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने पहले दिन मीरी ते पीरी दी कृपाना पहनिया सी, उन्हां दे मस्तक उपर सत दी तार नजरी आई। ते जो उस वक्त हजूर ने अपने गल विच हीरे पन्ने ज्वारा दी माला पाई सी, ओ भी सत्ता रंगा दी सी। हर संग जी, साहिब दसवें पातशाह जी अपने कमल कस्से विच सत रंग दा रुमाल रखदे सी। हर संग जी, इन्हां सत्ता रंगा दा वेरवा बहुत है।
शहनशाही ने फरमान किया कि हर पगत की अंतर आत्मा दे विच भी एक सत दी तार है। जब मैं कृपा करता हाँ इस सत दी तार दा मात लोक दे विच प्रगटावा हुंदा है। हर संग जी इसे तरह शहनशाह जी ने अपने सत सिंहासन ते बैठ के मात लोक विच अपने भगतां दे संग अचरज खेल खेली। हजूर शहनशाह जी ने सिंहासन उपर विराजमान हुंदे संतां दे सन्मुख बैठ के हर बाणी दी रचना कर दे। हर संगत जी हजूर शहनशाह जी ने देसी ते उपर पंचम मुखी ताज है। पंचम शब्द नु मुखातब करता है। पंचम शब्द दी तार दा मालिक प्रभु आप है। पंचम शब्द नु शहनशाह जी ने पंचम मुखी ताज दे विच वी अजिहा दर्शाता क्योंकि पंचम मुखी ताज दे पंच मुख ने पहला मुख मेरा ज्ञान। शहनशाह जी ने फरमाया जैसे ऊपर कल की सुशोभित है चार मुख जिसके विच चार वेद आउंदे ने चार खानिया आउंदियां ने चार बाणियां आउंदियां ने। हर संगत जी चौ युगां नु संबंधित ने ओस चार चार दी तार नु संबंधित ने जो के सतगुरा ने हर बाणी दे विच फरमान देता। पंचमुखी ताज दे उपर माझा मालवा द्वाबा जम्मू अंकित कर दिता के मैं आपे ही निर्गुणा आपे ही मैं सरगुण हां मैं रजो तमो सतो किसे गुण दे विच नहीं आंदा। मैं अपने चरणा विच विष्ण ब्रह्मा शिव दास कर ले ते मैं तुहानू जन्म मरण दे चक्कर विच भी नहीं आउन देना। हर संगत जी पंचमुखी ताज दे उपर हजूर शहनशाह जी ने अपना नाम भी लिख दिता सोहंग मारे छेते विष्णु भगवान भी जय। हर संगत जी हजूर शहनशाह जी ने फरमान दे दिता हर बाणी दे विच कह मेरे पंतो ऐ मेरे गुरसिखो तुसी ओ पार ब्रह्म दी तार जो कह मैं तुहानू ब्रह्म आत्मा दा मान दे दिता मत लोक दे विच। हर संग जी हर वाणी प्रभु दी अगमता दा प्रतीक है। कवियां ग्रंथां दे विच हजूर शहनशाह जी ने हर वाणी अंकित कर दिती क्योंकि हर वाणी ओ शब्द दी तार है जो सिर्फ ते सिर्फ जदों पुरख अकाल अपना मात लोक विच प्रगटावा कर देने ते तां ही हर वाणी दी रचना हुंदी है। हर वाणी दे विच शहनशाह जी ने अजिहा फरमान दिता जो के चौहान युगा तो उस वेरवे नू सतगुरा ने स्पष्ट रूप दे विच दस दिता के जो चार युग ने सतयुग त्रेता द्वापर कल युग इन्हां दी मात लोक विच किस तरह होंद होई किस तरह इन्हां दा प्रगटावा होया किस तरह मात लोक दे विच इन्हां युगां नूं वडियाई मिली ते केड़े केड़े युग दे विच प्रभु ने अपनी आमद करके अपनी सत दी तार दा प्रगटावा कीता। हर संगत जी हर बाणी दा वेरवा बहुत है इस नूं दो चार शब्दां विच कहना अति कठिन। हजूर शहनशाह जी ने सर्व हर संगत नूं हुक्म दे दिता कह मेरे पंतो ऐ मेरे गुरसिखो तुसी चिट्टे वस्त्र पहनने। हर संगत जी चिट्टे वस्त्र पहनन दा प्रभु ने हुक्म दे दिता क्योंकि चिट्टे तार नु प्रभु ने मखातब कीता के ऐ मेरे गुरसिखो तुसी चिट्टे वस्त्र एक करके मैं तुहानू पहना दिते के तुसी सिर्फ ते सिर्फ पुरख अकाल दे हाथ विच विचे जो मात लोक दे विच तुहाडी एक निशानी है के तुसी सतगुरु पूरा पाया ते सतगुरु पूरे ने तुहानू मात लोक दे विच वडियाई दे दित्ती। हर संग जी चिट्टे बस्तर प्रभु ने हुक्म दिता कह मेरे पंतो तुसी चिट्टे बस्तर किसे कोलो मंग के भी नहीं पौने तुहानू चिट्टे बस्तर पहना के मैं एक अजिहा रंग मात लोक विच चाड़ दिता रंग मजीठी जेड़ा कदी उतरदा नहीं ना जन्म तो पहला ते ना मरण तो बाद। हर संग जी प्रभु दा रंग मजीठी कदी उतरदा नहीं।
हजूर शहनशाह जी ने इस नु सचे बाने दा नाम दे दिता। क्या मेरे पवतो तुसी इस सचे बाने नु पौना, क्योंकि हर संगत जी ए प्रभु मिलनी दा प्रतीक है, ए चौथे कर नु मुखातब करता है, आज निरंजन नूर महान वड बलवान नु मुखातब करता है। हर संगत जी ए चिट्ठी तार दी जो अवस्था हुंदी है, ए सिर्फ पगता दे ही वंडे आउंदी है, क्योंकि हजूर शहनशाह जी ने चिटे वस्त्रा दे नाल नाल सर्व हर संगत नु हुक्म दे दिता के जो मेरा गुरसिख होवेगा, जो मेरा पगत होवेगा, वो चाह नहीं पीवेगा, मीट नहीं खावेगा, अंडा नहीं, शराब नहीं, इन्हां चीजां दा नशियारी किसी भी वस्तु दा सेवन नहीं करेगा, क्योंकि पगत दी अंतर आत्मा दे विच सिर्फ ते सिर्फ इको चाहत प्रभु मिलनी ही होती है। हजूर शहनशाह जी ने हर संग जी हुक्म ते फरमान दे दिता, क्योंकि पगत उदो ही प्रपक्ष रूप विच पगत बनता है जब अपने सतगुरु दियां दसियां होईयां रीतां दे मुताबिक चलन दी कोशिश करे, अते प्रभु दे चरणा दे विच बेनती करे कि हे प्रभु साडे ते रहमत ते कृपा करी, असी दसे होए तेरे फरमान ते चल सकिए। हर संग जी हजूर शहनशाह जी ने फरमाया कि जिसने मेरे चरणा विच आके एक बार भी नमस्कार कर ले, उस नु भी लख 84 जुनी विच नहीं आना पैना। जिसने एक बार आके इस सत स्वरूप दा दर्श दीदार भी कर लिया, उस नु भी जन्म मरण तो मुक्त कर दिता। हजूर शहनशाह जी ने फरमान दे दिता, क्या मेरे को तो जदो तुसी मेरे दसे हुए फरमान नु मात लोक विच बोलना, ते तुहाडे अंदर कोई लोक लाज ना रहे, तुसी उच्ची आवाज विच गर्ज के अपने प्रभु दे दसे हुए जयकारे नु बुलाना। हर संग जी इसे नाल ही मैं सर्व हर संगत पासो क्षमा चाहनी हां, ते प्रभु दा दसया होया नाम जयकारा जिस नु बोल गया होया, सानू कोई लोक लाज या शरा दे विच नहीं आना चाहिदा, क्योंकि भगत दा मारक ही है, भगत लोक लाज कभी नहीं आंदा, क्योंकि शहनशाह जी ने फरमान किया कि ए मेरी आत्मा मैं तेरा परमात्मा ते मैं ही तेरा वास हां। हर संग जी साडा सब दा वास साडा परमात्मा है, जदो परमात्मा साडा वास है ते फिर असि ओसे हां। हर संग जी मेरी सर्व हर संगत अगे इको ही बेनती है, जदो प्रभु दा नाम बोलना, प्रभु दा दस्या होया जयकारा बोलना, उच्ची आवाज विच गर्ज के बोलना, क्योंकि पंजां जयकारियां दे विच ही सारी भक्ति आ जांदी है। सो महाराज जय श्री कृष्ण।